नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूँ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। आपके घर में लोहा है तो आ रहे हैं शनिदेव। देखिए कालचक्र। जी हाँ, लोहा एक ऐसी धातु है जो किसी न किसी रूप में हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको मालूम है, क्या कभी आप सोचते हैं इस तरह से, लोहे की अंगूठी, लोहे का छल्ला, लोहे की कील, लोहे का बर्तन और काले घोड़े की नाल आपको शनिदेव के प्रकोप से बचा सकती है। काले घोड़े की नाल कैसे करेगी आपकी जिंदगी में कमाल बदलाव? घोड़े की नाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं, ये भी पंडित जी आप आज आपको बताने वाले हैं विस्तार से। तो आप बने रहिए पूरे एक घंटा कालचक्र के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 8 जून 2024 दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 7:42 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग शाम 6:27 तक, इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक और यमगंड काल दोपहर 2:05 से दोपहर 3:49 तक। तो आप इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोहे और शनिदेव के कनेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले, और उससे पहले शनिदेव की प्रिय चीजें, लोहे का साइंटिफिक पहलू क्या है ये समझेंगे। साथ ही काले घोड़े की नाल को क्यों हमारे समाज में खास माना गया है, आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, इन तीनों चीजों के बारे में सबसे पहले बताइए, क्योंकि घोड़े की नाल का बहुत जिक्र है। आप खुद भी प्रोग्राम में कई बार जिक्र करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं लोहे की जो बहुत शुभ होती हैं हमारे लिए। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनेश्वराय नमः। लोहा जो है ये शनि की धातु है। लोहा शनि की धातु है और ये शनि की प्रिय वस्तु भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा लोहा ही है। जो आयरन ओर निकलता है, एक ऐसी मिट्टी निकलती है जिससे लोहा निकाला जाता है, जिसको आयरन ओर कहते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा कौन सी धातु है? लोहा। लोहा ही है जो तप कर फौलाद बनता है। शनि और मंगल के बीच में लोहा ही वो धातु है जिससे ये दोनों ग्रह एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। शनिदेव को मंगल की वस्तुएं चढ़ाने से फल मिलता है, शनिदेव को लोहा अर्पित करने से उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि को अगर लोहा अर्पित किया जाए तो वो सोने के समान फल देता है। ऐसे में आज कालचक्र में सबसे पहले मैं आपको लोहे के घोड़े की नाल के उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, घोड़े तो बहुत होते हैं लेकिन काले घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल यदि संयोग से अपने से निकल जाए और वो आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि कोई काला घोड़ा लेकर सड़क पर खड़ा है और उससे आप गए और कहे कि 200 रुपया लो, एक घोड़े की नाल दे दो, तो उसने नाल निकाल के आपको दे दिया, फिर दूसरी नाल ठोंक लिया, फिर दूसरे आए, दूसरे को दूसरी नाल दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस नाल को पहनकर घोड़ा कुछ दिनों तक चला हो और वो नाल अपने से निकल गई हो या पुरानी हो गई हो, उस नाल को अगर आप लें
और उस नाल को लेकर के लोहार के यहाँ जाएं और बिना उसे भट्टी में गर्म किए हथौड़े से पीट पीट करके और उसको एक अंगूठी का आकार दें तो वो सही नाल होगा। लेकिन वो आग में जाते ही अपनी महत्ता को ख़त्म कर देगा। अक्सर होता क्या है, लोहे को बढ़ाने के लिए फैलाने के लिए उसे भट्टी में डाला जाता है और जब वो गर्म हो जाता है तब उसको पीटा जाता है। वैसे लोहे को पीटना बहुत असाध्य काम है, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन बहुत साफ बात आपको बता रहा हूँ कि अगर घोड़े की नाल को आग में डाल दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, तो उसके बाद फिर वो सामान्य लोहा हो जाता है, तो घोड़े के नाल की विशिष्टता खत्म हो जाती है। तो घोड़े की नाल किसी भी व्यक्ति की किस्मत चमकाने में सक्षम है। घोड़े के पैरों में लगने वाली नाल लोहे की बनी होती है। लोहा शनि की धातु है और काला रंग शनि का प्रिय रंग है। शनि मेहनत करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े में अपार शक्ति होती है और वो मेहनत भी खूब करता है। काले घोड़े को शनि से संबंधित जीव माना जाता है। इसी वजह से काले घोड़े के पैरों में लगी लोहे की नाल भी शनि दोष को दूर करती है, ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी चर्चा को हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र दर्शक विजेंद्र जी मुरादाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विजेंद्र जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1993, 3:40 दोपहर का, और स्थान मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, मेरे दो सवाल हैं। पंडित जी, पहला सवाल तो मेरा यह है कि मैं सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, वो नहीं पा रही है। और पंडित जी, उसमें भी मैं स्टेट PCS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कब तक सिलेक्शन हो पाएगा और नौकरी है भी या नहीं। और दूसरा सवाल पंडित जी मेरा यह है कि हमारे घर में पितृ दोष है क्या, क्योंकि पंडित जी हमारे घर में कई साल से हम लोग आपस में ही घर में भाई बहन पापा मम्मी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बनती नहीं है किसी की, ऐसे जैसे कोई प्रेम खत्म हो गया है, घर में कोई काम नहीं बनता। पंडित जी, ऐसे बड़ा संघर्षमय जीवन हो गया है मेरा, तो 30 साल उम्र हो गई है। वैसे तो पंडित जी मैं आपके उपाय करता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन पंडित जी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरा भाग्य उधर कब होगा, घर में क्या क्यों लड़ाई झगड़े रहते हैं, पंडित जी बताइए देख करके। देखो बेटा, ऐसा है विजेंद्र, तुमने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर शुक्र और शनि परस्पर चतुर्थ दशम है और मंगल बीच में मड़ऊ योग कारक है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आजीविका के लिए प्रयास करिए और आगे चल कर के आप व्यवसाय करिए। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सब चीज़ों से जुड़ा अगर आप व्यवसाय करेंगे तो एक दिन आप बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। नौकरी ही केवल आपका भाग्य विधाता नहीं है, आप बहुत अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं। जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है तो उसके विषय में परिवार में सामंजस्य रहे, परिवार में सब लोग एक दूसरे को प्यार करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक उपाय है जिसे किसी एक व्यक्ति को करना होगा, घर के किसी एक सदस्य को। ये पितृदोष से इतना कलह नहीं होती है बेटा, घर में नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ये कलह बढ़ती है। एक रामचरितमानस की पुस्तक लीजिए और रामचरितमानस की पुस्तक लेकर के उसको किसी दिन बुध या बृहस्पतिवार से शुक्ल पक्ष में उसका मास पारायण करिए। मास पारायण का मतलब कि पूरे रामायण को एक महीने में ख़त्म करना है। उसमें आप देखेंगे विषय सूची में तो लिखा होगा मास पारायण, प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, और उसकी पेज संख्या लिखी होगी। लगभग 40 मिनट पढ़ने पर एक मास पारायण हो जाता है। अगर 40 मिनट रोज रामचरितमानस का बोल करके कोई पाठ करना शुरू कर दे घी का दिया जलाकर, और ये उपाय 30 दिनों तक कर दे, तो मेरा दावा है कि तुरंत परिवार में सामंजस्य की स्थिति स्थापित हो जाएगी। और ये क्रम अगर 12 महीने लगातार किसी के द्वारा कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, शमशान भूमि पर भी अगर कोई रह रहा होगा, शमशान भूमि पर
जहाँ मतलब हड्डियों का ढेर हो और जहाँ 100 मुर्दे जलाए गए हों, वहाँ पर भी अगर किसी का निवास हो तो वहाँ वो भी सुखी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बड़ रखवार रमापति जासु, जब भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है तो सारे अमंगल जो है वो मंगल में बदल जाते हैं। आज हम मानव दुखी इसलिए हैं कि हम भगवान को भूले हुए हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं और हम इतने व्यापारी हो गए हैं कि अगर छोटी सी एक माला भी भगवान को चढ़ाते हैं तो उसके बदले में एक डिमांड जरूर रखते हैं। अगर एक छोटा सा फूल भी चढ़ाते हैं तो हाथ जोड़कर ये कहना नहीं भूलते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए। कुछ तो ऐसा प्रभु के लिए करिए जिसके बदले में कोई डिमांड न रखिए। तो अगर आपके घर में आपके माता पिता भाई या आप स्वयं केवल रामचरितमानस का मास पारायण करना शुरू कर दो, अभी जो नौकरी की बात आप कह रहे हो, UPPCS की बात कर रहे हो, आप करो 40 मिनट की ये साधना करो। यद्यपि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर 12 पारायण कर लो और तुम्हें UPSC में क्वालिफाई करने का मौका न मिल जाए तो कहना, इसी TV चिल्ला चिल्ला के कहना कि मैंने झूठ बोला है और सही नहीं है। देखना राम जी का चमत्कार क्या होता है। आप करो उपाय। जय माँ विंध्यवासिनी। काले घोड़े की नाल का आकार तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आपको इसका महत्व पता है? काले घोड़े की नाल का प्रयोग कब करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, कब प्रयोग में लाएं काले घोड़े की नाल जिससे फल शुभ मिले? देखो, पहली बात तो काले घोड़े के नाल का प्रयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनके कुंडली में शनि शुभ प्रभाव देने वाला है। जैसे अगर लग्नेश शनि है, पंचमेश शनि है, नवमेश शनि है, शनि निर्बल है, तो काले घोड़े की नाल धारण करना चाहिए। लेकिन छठवें सातवें भाव का स्वामी शनि है, आठवें भाव का स्वामी शनि है, बारहवें और दूसरे भाव का शनि है, तो ऐसे लोगों को काले घोड़े की नाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो काले घोड़े की नाल का प्रयोग किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि बहुमूल्य नीलम बहुत महंगा होता है भाई, बहुमूल्य नीलम जो चमत्कार कर सकता है किसी के लिए, वो काले घोड़े की एक सस्ती सी नाल भी उतना चमत्कार कर सकती है, बशर्ते आपको शनि आपके लिए शुभकारी हो। तो काले घोड़े की नाल जो खुद घोड़े के पैरों से निकल गई हो उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि सड़क पर एक घोड़े वाला खड़ा है और वो काला घोड़ा लेकर खड़ा है और नाल निकाल निकाल के लोगों को दे देते जा रहा है, आप गाड़ी रोक करके और 100-100 रुपया दे के नाल लेके चले जा रहे हो। वो तो केवल घोड़े के पैर में स्पर्श करा के आपको दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है ना उसका कोई फायदा है। घोड़े की नाल के प्रयोग करने के लिए शनिवार, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। घोड़े की नाल से जुड़ा एक और पहलू है, अर्धचंद्रमा रूपी इसके आकार के कारण इसे चंद्रदेव का भी प्रतीक माना जाता है। घोड़े की नाल को स्थापित करने से चंद्रमा भी मजबूत होता है और स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली का माहौल बनता है। आपकी दुकान अगर ठीक से नहीं चल रही है तो दुकान के मुख्य द्वार की चौखट पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में उसे आप 3 कील लगा करके लगा दीजिए। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगी और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। किसी तरह का जादू टोटका आपके दुकान पर नहीं चलेगा। शनि की 7:30 या ढैया चल रही है तो किसी शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी आप 4 बजे शाम के बाद शनिवार को दूध और गंगा जल से धो करके अगर धारण कर लें तो 7:30 और ढैया का भी प्रभाव आपके जीवन पर कमजोर पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अनुज जी मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी का जन्मदिन है 13 मई 2024, समय है 9:19 सुबह का जी, जरा इसके बारे में जानना है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरी पत्नी के लिए, पत्नी का जन्मदिन है 5 जून 1988,
समय है 8:43। जब से शादी हुई है तब से हमारे में बिजनेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस का पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है मगर बिजनेस नहीं डल पाता और दिन पर दिन चीजें डाउन होती जा रही है। दूसरा प्रश्न आपने क्या किया है जरा फिर से बताइए। दूसरा प्रश्न है मेरा कि जब से मेरी शादी हुई है हाँ तब से चीजें दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। बिजनेस का जो भी पैसा मैं बिजनेस के लिए इकट्ठा करता हूँ वो मेरा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप अपने दिमाग से एक गलतफहमी निकाल दीजिए कि शादी के बाद कुछ बुरा हो रहा है। बुरा आपकी किस्मत में इस समय में होना है इसलिए बुरा हो रहा है, शादी उसके पीछे कारण नहीं है और पत्नी का दुर्भाग्य उसके पीछे कारण नहीं है। ये मतलब कि भागवती का अपराध है, पत्नी को बदनसीब समझना ये गलत बात है। दूसरी बात, आपने अपने पुत्री के लिए बात किया है तो मैं बता दूं कि अभी वो तो सिर्फ 4 और 5 महीने की है। 5 महीने से लेकर के 8 साल तक की जो कन्याएं या पुत्र होते हैं वो माता पिता के भाग्य से जीवित रहते हैं, माता पिता के भाग्य से सुख और दुख पाते हैं। तो अभी जो आपका प्रश्न है उसके आधार पर मैं यही देख रहा हूं कि बच्ची का स्वास्थ्य सर्दी जुकाम से कभी कभार प्रभावित हो सकता है, बाकी बच्ची आपकी ठीक रहेगी, इसका भविष्य मंगलमय रहेगा। जहाँ तक शादी के बाद आप जो कह रहे हैं आपकी परिस्थिति खराब हो रही है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आप 10 बार रोज हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करिए, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए, उनके सामने रोज घी का दिया जलाइए और 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाइए, हो सके तो लड्डू या बतासा का भोग लगाइए। ये उपाय आप 100 दिनों तक करिए। अगर 100 दिनों में आपकी परिस्थिति न आगे की तरफ बढ़े तो कहिए। ये कहना कि जब से मेरी शादी हुई है तब से ये हो रहा है, जब से शादी हुई तब से वो हो रहा है, इस तरह से संबंध जोड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर इसकी कोई चर्चा भी करे तो आपको इस बात का जो है खंडन करना चाहिए। शादी कोई आपके लिए दुखदाई नहीं है, आपका पत्नी भाव बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी भाग्यशाली है, लेकिन उसके भाग्य से आप राजा बन जाएंगे ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा और अच्छा कर्म करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। अगर 10 बार सुबह आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी की सेवा में लग जाएंगे तो आप विश्वास मानिए 100 दिनों के बाद ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आपके बिगड़े काम बन जाएं, धन लाभ हो, घर में कलेश खत्म हो जाए, नजर दोष हमेशा के लिए दूर हो जाए आपकी जिंदगी से, इन सब के लिए आपको काले घोड़े की नाल से जुड़ा कौन सा उपाय करना है आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अगर ये सब परेशानी है तो इसके लिए कौन सा उपाय कारगर होगा? देखो, घोड़े की नाल अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए, वो भी 4 बजे शाम के बाद। अगर शनि आपके लिए शुभ और निर्बल है तो बिगड़े काम बन जाएंगे और धन लाभ भी होगा। घर में कलेश रहता है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है या आपके घर पर नजर दोष है तो घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाइए। काले घोड़े की नाल एक काले कपड़े में लपेटकर आप अनाज में रख दीजिए तो घर में धन धान्य और अनाज की वृद्धि होती है। तिजोरी में अगर काले कपड़े में लपेट के रख दें तो धन संबंधी लाभ होता है, घर में बरकत बनी रहती है। पैसों से किसी काले घोड़े के नाल पैरों में नाल लगवा दें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपकी गाड़ी अगर बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो गाड़ी में घोड़े की नाल या उसका छल्ला बनवा करके और उसे आप अपने डैशबोर्ड में रख लीजिए, उससे भी लाभ होता है। विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो भी घोड़े के नाल का छल्ला पहनने से लाभ मिलता है। काले घोड़े की नाल से 4 कील बनवाएं और शनि पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर में चारों बेड के पायों में अगर उसे आप लगवा दें तो उससे भी रोगी को राहत मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्ति जी मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। बैतूल से बोल रही हूँ पंडित जी, मैं मध्य प्रदेश से। जी पंडित जी, मेरे बेटे की जन्म तारीख है 16/11/2012 जी, तीन शुक्रवार, और मेरे पति की जन्म तारीख है 27/7/1979
पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ दोनों के बारे में कि मेरे बेटे का जो नाम हमने एकलव्य रखा है पंडित जी, क्या वो सही है, और उसका राशि नाम, जन्म नाम क्या होना चाहिए, उसकी राशि क्या होना चाहिए, और पंडित जी उसका ध्यान पढ़ाई में लगे, मेरा एक ही बेटा है और वो पढ़ाई में अच्छा। बेटे का डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बताना पड़ेगा आपको जी पंडित जी। 16 नवंबर 2012 कितने बजे जी? शाम को 5:15 पे हुआ है शाम को। कहाँ पैदा हुआ? बैतूल में, बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल जी, बैतूल मध्य प्रदेश। पंडित जी मेरे पति के बारे में भी जानना चाहती हूँ पंडित जी, हमारे उनके ऊपर इसके बाद कर्जा होते रहता है पंडित जी। देखो ऐसा है, तुम्हारा बेटा जो है धनु राशि में पैदा हुआ है, मूलों में पैदा हुआ है, ठीक है। इसका राशि का नाम भ से शुरू होता है, इसका नाम भरत रख दो, भारतेंदु रख दो, कुछ भी रख सकती हो, भ से इसका राशि का नाम शुरू होता है, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में पैदा हुआ है। आदौ पितानाः समुपैत मूले पादे द्वितीये जननी तृतीये धन तृतीयो शुभोत सांख्या सर्वत्र सस्या दहिभे विलोमम। तीसरे मूल के तीसरे चरण में पैदा हुआ जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा माता पिता के धन के लिए नुकसानदायक होता है, ऐसे माता पिता को थोड़े दिनों तक आर्थिक अभाव में जीवन जीना पड़ता है। और आपके बेटे की धनु राशि है, आपके बेटे की शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और शुक्र इसकी कुंडली में नीच राशि में है, पढ़ाई में बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं है, इसलिए कि सूर्य राहु का ग्रहण दोष है और आपके पति के जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं। इनका जीवन एकदम चारों तरफ से संघर्षों से घिरा और भरा हुआ है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज सूर्य को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला जप 31 दिनों तक करें। इसके आपके पति के व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, उनकी परिस्थितियों में भी सुधार होगा और बेटे का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और बेटा भी अच्छी पढ़ाई के लिए अग्रसर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीता जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1990, अब समय है दिन के 2:30। मुझे 2 सवाल पूछने हैं पंडित जी अपने और अपने हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड का काम नहीं लाइफ में कभी सेट हो पाया और अभी तो काफी टाइम से वो घर ही बैठे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कब होगा, और मेरी राशि के हिसाब से मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे मुझे उनकी कृपा मिल सके। देखो रंजीता ऐसा है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल और उसे दशम भाव का स्वामी शनि, मंगल शनि तृतीय एकादश की स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके पतिदेव सही योजना नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण किसी कार्य में उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, और आपके दशम भाव का स्वामी शनि है, उससे अगर देखा जाए तो मतलब कि दशम भाव से दशम भाव का स्वामी शुक्र है जिसपे मंगल की दृष्टि है। आप अपने पति से कहिए कि वो किसी मेटल किसी धातु का व्यापार अगर करें तो उसमें कभी उन्हें नुकसान नहीं होगा, पीतल तांबा कांसा इन सब चीज़ों का व्यवसाय करने के बाद उन्हें कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा, और अगर छोटा काम करना चाहें, इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, अगर छोटा काम करना चाहें तो छोटे काम में भी मंगल से संबंधित काम जैसे चने का काम, गेहूँ का काम, ये सब काम उनके लिए, गेहूं के आटे का काम, ये सब उनके लिए फायदेमंद होगा। देखो जहां तक तुम क्या करो तो तुम्हें तो यही बताऊंगा बेटा कि आप अपने घर में एक श्री यंत्र की स्थापना करिए और एक दक्षिणावर्ती शंख ले आइए और रोज पीतल की थाली में श्री यंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, दूध भर करके, अलग अलग भरना है, जल अलग भर करके, फिर दूध भर करके, फिर चीनी का रस भर करके, फिर उसमें थोड़ी सी शहद रख करके, फिर थोड़ा सा घी रख करके, फिर थोड़ा सा दही रख करके अभिषेक करिए श्री यंत्र का, शंख से अभिषेक करिए और उस समय आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को कंटिन्यू बोलते रहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रस दशरजाम चंद्राम हिरणमयम लक्ष्मी जातवेदो में आव, ओम तामह आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामनी में से हिरण्यम गाम अश्व पुरुषानम,
जब तक याद नहीं है तब तक यूट्यूब चालू करके श्री यंत्र बोलवाओ, और जब याद हो जाए तो मुंह से बोलो। और ये सब करने के बाद अच्छे ढंग से श्री यंत्र को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पे श्री यंत्र रख दो। एक कलावा लपेट करके श्री यंत्र पर हल्दी चावल फूल डाल करके सिंदूर डाल करके रोली डाल करके धूप दीप जला करके एक पीतल की कटोरी में काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके एक छोटी सी गिलास में पानी रख दो, और इसके बाद में कपूर से आरती कर दो और श्री सुक्तम के मंत्रों को बोलती रहो। अगर ये उपाय लगातार 3 सालों तक आप करें तो आप मुझसे जैसी चाहें वैसी गारंटी ले लें कि आप सचमुच में स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो जाएंगी। आप जहां पैर रखेंगी वहां धन धान्य अपने आप रहेगा, आप जहां कदम रखेंगी वहां का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपका घर मंगलमय हो जाएगा, आपके पति का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा और आप सुखों से ओतप्रोत हो जाएंगी। कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं काले घोड़े की नाल की और लोहे की, ऐसी खास चीजें जो दिखने में बेहद मामूली सी आपको लगती हैं लेकिन इसके अचूक उपाय आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को दूर दूर तक खत्म कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घोड़े की नाल की। घोड़े की नाल असली है या नकली, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। आइए इस कंफ्यूजन का समाधान निकालते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, असली और नकली घोड़े की नाल की पहचान कैसे होगी? घोड़े की नाल असली होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल घोड़े द्वारा किया गया हो, वो भी काले घोड़े के द्वारा। बाजार में बिना इस्तेमाल किए हुए नाल भी बिकते हैं, ऐसे में नाल खरीदने से पहले इसकी पहचान जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में घोड़े की नाल कैसे लगानी है। घोड़े की नाल को आप 2 तरह से लगा सकते हैं, पहले यू पैटर्न में और दूसरा रिवर्स यू पैटर्न में। यू पैटर्न में घोड़े की नाल लगाने के फायदे पहले आपको बताता हूँ। जब घोड़े की नाल के दोनों सिरे ऊपर की ओर होते हैं तब उसे यू पैटर्न कहते हैं। इस तरह से घोड़े की नाल को लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर और कार्यक्षेत्र में इस तरह के घोड़े की नाल लगाना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। रिवर्स यू पैटर्न में घोड़े की नाल लगाने के पहले फायदे भी जान लीजिए। यू पैटर्न को उल्टा करने पर घोड़े की नाल के दोनों सिरे नीचे की ओर हो जाते हैं, इसे रिवर्स यू पैटर्न कहते हैं। घोड़े की नाल को इस तरह से लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। किसी गोदाउन या बंगले के लिए घोड़े की नाल का रिवर्स यू पैटर्न ज़्यादा असरदार होता है, इस बात को समझ लीजिए। और हाँ, घोड़े का नाल असली है कि नकली, इसका परीक्षण तभी होगा जब आप अपनी आँख के सामने घोड़े की नाल लें और वो घोड़े की नाल घिसी हुई हो, और घोड़े की नाल घोड़े के मतलब कि पैर से निकली हुई हो। केवल ये कहकर कि घोड़े की नाल है और आप उसको ले रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रमोहन जी बरेली से हमारे साथ मौजूद है, कालचक्र दर्शक, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। मैं चंद्रमोहन शर्मा बोल रहा हूँ बरेली से। जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी का नाम जो है कुंजल शर्मा है, उसका जन्म 10 जनवरी 2005 सुबह 5:48 का है, जयपुर राजस्थान का। तो पंडित जी, मेरी बेटी जो है बीबीए एलएलबी कर रही है, तो उसके भविष्य के बारे में पूछना है और उसका जो जीवन रहेगा आगे कैसा रहेगा और उसको आगे मतलब क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन सुखमय रहे। और दूसरा मेरा प्रश्न मेरे बेटे के लिए है पंडित जी, उसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 2008 का है, रात्रि 12:45 का जन्म है, मेरठ उत्तर प्रदेश से। पंडित जी वो 10th क्लास में है, तो वो आगे उसे मतलब किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए और वो मतलब उसका आगे का जीवन मतलब कैसा रहेगा, पंडित जी से मार्गदर्शन करें प्लीज। देखिए, बेटी के बारे में तो निश्चिंत रहिए, इसकी पढ़ाई अच्छी है और अगर थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ध्यान दिया और इसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की तो ये जुडिशरी का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि आपके 5th भाव से 10th भाव में मंगल की स्थिति है। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से या तो कहीं लीगल एडवाइजर हो जाते हैं, या तो किसी कारपोरेट हाउस के लीगल एडवाइजर हो जाते हैं, या फिर न्याय प्रक्रिया में इनकी सक्रिय भागीदारी हो जाती है, कोर्ट इंस्पेक्टर हो जाते हैं, एपीओ हो जाते हैं, या फिर मतलब कि जो है जुडिशरी में भी ये क्वालिफाई करते हैं।
लेकिन अभी इसके जितने सही मार्गदर्शन और महत्वाकांक्षा जागृत करने की जरूरत है वो चीज अभी नहीं हो पा रही है। जहां तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताएं कि देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसे दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। आपको अपने बेटे को मेडिकल के फील्ड में ही ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अव्वल तो कोशिश करें कि वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेकर के पढ़ाई करे, और अगर उसमें सफलता किसी कारणवश नहीं मिलती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड तो बन रही है, कन्फर्म है, तो आप उससे बी फार्मा डी फार्मा करवाएं, उससे भी ड्रग इंस्पेक्टर जैसी नौकरियां मिलने के संयोग बनते हैं। तो बेटे का भी भविष्य अच्छा है, लेकिन मेडिकल फील्ड में है, वो मेडिकल फील्ड किसी तरह का हो सकता है। तो अभी से बेटे के मन में ये अंकुर डालें कि उसे मेडिकल फील्ड में जाना है। और हाँ, दोनों बच्चे अपने मार्ग पर सही निकलें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बेटी से कहें कि वो सोमवार के दिन शिवालय में एकदम प्रातःकाल जा करके शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करें, और बेटे से कहें कि वो रोज स्कूल जाने से पहले 2 मिनट का समय लगेगा हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें। अगर ये दोनों उपाय दोनों करते रहेंगे तो इनको संभालने में कभी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय माँ बिंदीवासिनी। और सुमन जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका कालचक में, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे सुमन जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ पंडित जी। मेरी 55 साल की उम्र है और मेरा ना बहुत परेशानी हो रही है पंडित जी। मेरी बड़ी बेटी की शादी, उसकी गृहस्थी भी सही नहीं है, छोटी बेटी है, उसकी 3 साल से दवाइयाँ चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और ये जिस घर में हम रहते हैं मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, ये भी नहीं बिक रहा है, बहुत परेशानी है पंडित। सुमन ऐसा है, देखो तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, और इस समय जो है बुध अस्त है। आपके बड़ी बेटी का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी बेटी से कहो कि वो रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दे। अगर वो रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दे और राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दे तो तुम विश्वास करो अति शीघ्र उसके जीवन में बहार आ जाएगी और उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी। छोटी बेटी की जो तबीयत खराब है ना सुमन, तो उसके बारे में तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि उसको हल्का सा ज्वर बना रहता है और जिसके कारण उसका मुंह सूखता रहता है और हर समय मतलब कि ना तो वो ठीक से खाना खा पाती है और ना ही वो क्रियाशील रह पाती है। इसके लिए आपको किसी आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर से मिल करके, जो नाड़ी का जानकार डॉक्टर हो, और उससे परामर्श लेना चाहिए। मैं एक उपाय बता सकता हूं जो आपको फायदा पहुंचाएगा, वो उपाय ये है कि रोज ये नहाने के बाद अपने पूरे शरीर में जो भगवान शिव को भस्म विभूति चढ़ाई जाती है वही वाली भस्म विभूति इसके पूरे शरीर में दोनों हाथों में रगड़कर पूरे शरीर में स्पर्श करा दे, और ये उपाय लगातार 40 दिनों तक करे तो आप निश्चित मानिए कि इससे बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, अगर कोई ब्राह्मण अच्छा जानकार हो तो सूलनी दुर्गा के मंत्र जो होते हैं उनके 3 मंत्रों को 7 बार पढ़ करके जल इसके ऊपर छिड़क दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी। चाहे जितनी बड़ी बीमारी होगी 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। ये सूलनी दुर्गा का मंत्र जो है ये आपको दुर्गा कल्पद्रुम किताब में मिलेगा। अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा ये क्रिया 3 दिन सायंकाल हो जाए तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जय माँ बिंदीवासिनी। तो काले घोड़े की नाल की बिना जानकारी के कहीं भी इसको लगाना चाहिए, घोड़े की नाल की घर में क्या सही दिशा होनी चाहिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो अगर जानकारी नहीं है कहाँ पे लगाना है काले घोड़े की नाल को, किस दिशा में लगाना है, तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, और अगर सही दिशा में लगी है और सही लगी है तो उसके क्या शुभ फल मिल सकते हैं। देखो ऐसा है, घोड़े की नाल कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं ये बात भी मतलब कि शास्त्रों में वर्णित है। घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर डोर फ्रेम के ऊपर लगाना चाहिए, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर प्रवेश करते समय जो दिखाई पड़े। उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा वाले मुख्य द्वार के लिए ये काफ़ी लाभकारी होती है,
लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा पूर्व या दक्षिण दिशा में है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब घोड़े की नाल आपको कहाँ नहीं लगानी चाहिए ये भी जान लीजिए। आपके मकान का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इस दिशा में घोड़े की नाल भूल के भी मत लगाइए, क्योंकि घोड़े की नाल मेटल की होती है और इस दिशा में मेटल की वस्तु लगाना अशुभ होता है। घोड़े की नाल से जुड़ी कुछ और सावधानियां मैं आपको बताता हूँ। आप अगर जानना चाहते हैं कि घोड़े की नाल असली है या नहीं तो घोड़े के नाल को जांचने के लिए उसे मक्का के ढेर में रख दीजिए। वो सही नाल है तो मक्का को पकाकर फोड़ देगा। घोड़े के नाल की अंगूठी कभी भी गलाकर न बनवाएं, इससे इसकी शक्ति कम हो जाती है। ध्यान रखें, घोड़े के पैर से निकलवाकर खरीदी गई नाल आपको लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती है, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है घोड़ा आपकी कुंडली में बैठे बहुत से कमजोर ग्रहों के बुरे प्रभावों को खत्म कर सकता है? कैसे? पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, घोड़ा कैसे कम कर सकता है हमारी अगर ग्रह सही नहीं है? देखिए, ऐसा है, घोड़े की नाल की बात कर रहे हैं तो मैं अब आपको ये भी बताता हूँ कि घोड़ा आपके कौन से ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति खराब हो तो उसके कारण परेशानियां आ रही हैं, तो हर रोज घोड़े को चारा खिलाएं और अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी डालें। अगर सूर्य आपका खराब है तो आप 7 घोड़े का, सुनहरे रंग का, दौड़ते हुए घोड़ों का एक बढ़िया चित्र ले आइए और जहां आपकी वर्किंग टेबल है, वर्किंग चेयर है, उसके ठीक पीछे लगा दीजिए। आप देखिए आपका काम कैसे मूवमेंट करता है, आप कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप ये उपाय कर लीजिए। कुंडली में गुरु दोष है तो घोड़े को चने खिलाइए। कुंडली में अशुभ गुरु के प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या शादी में देरी हो रही है तो गुरुवार को घोड़े को चने की दाल खिलाइए। इसके लिए रात में चने की दाल पानी में भिगो दीजिए और सुबह भीगी हुई चने की दाल अपने हाथों से घोड़े को खिलाइए। और हाँ, अगर सफ़ेद रंग का घोड़ा, 7 घोड़ा सफ़ेद रंग का, और उसका चित्र आप अपने वर्किंग चेयर के पीछे लगा लें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र अगर कमजोर है तो उनको सफ़ेद घोड़े की सेवा करनी चाहिए, इससे लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी, सदा सुखी रहिए। मेरा जिला गोरखपुर में गांव से बोल रही हूँ, गांव पकड़ियार है जी। मेरे 3 बच्चे हैं पंडित जी, जो बड़ी वाली लड़की है वैष्णवी, 2007 12 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 7:07 को पैदा। पहले अपना नाम बताओ। दुर्गावती पंडित जी। अच्छा चलो, पहले बेटी के बारे में प्रश्न है। हाँ पंडित जी, दूसरी बेटी है अदिति सिंह, 2012 5 अक्टूबर 2:22 दोपहर में पैदा हुई जी। और लड़का है जो छोटा है अभिराज सिंह, 2014 13 अप्रैल दिन रविवार दोपहर 2:32 पैदा हुआ। पंडित जी, मेरी बड़ी वाली लड़की मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसी रहेगी, उसका करियर कैसा रहेगा, किस लाइन में पढ़ेगी, ऐसे छोटी वाली लड़की का भी बता दीजिए और लड़का का भी। देखो, बड़ी वाली बेटी तुम्हारी सुलझी हुई लड़की है, अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की है, पढ़ाई अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको चाहिए कि इसकी पढ़ाई को जारी रखें और इसे बीए करवाएं, बीए के बाद इससे बीटीसी या बीएड करवाएं। ये टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती है। दूसरी बेटी के बारे में जो प्रश्न है दुर्गा, तो उसके बारे में ये जान लो कि दूसरी वाली बेटी को आप कॉमर्स की पढ़ाई करवाइएगा और उसको बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी करिए करवाइएगा, वो उसमें कामयाब होगी। अभिराज के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो उसके बारे में ये बताऊं कि ये देखो अभी थोड़ा सा मनमौजी है, अभी जब इसका मन करता है तो पढ़ाई में लग जाता है, जब मन नहीं करता है तो शरारत में लग जाता है। इसको आपको बताना चाहूँगा कि एक मूंगा 10 रत्ती का जिसपे गणेश जी बने हों, उसे तांबे के लाकेट में बनवा करके अगर लाल धागे में इसके गले में धारण करवा दो तो ये काफ़ी गंभीर हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएगा और निश्चित रूप से पुलिस फोर्स में, सेना में या CRPF में या CISF में कहीं इसका सिलेक्शन 20 से 22 वर्ष की उम्र में ही हो जाएगा। ये उपाय करके देखो। जय मां विंध्यवासिनी।
लोहे को शनि की सबसे प्रिय धातु माना जाता है। ऐसे में शनि की महादशा साढ़े साती और ढैया से परेशान लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें लोहे से जुड़े उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, इसके अलावा लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। शनि की महादशा में अगर बहुत कष्ट आ रहा है, कष्ट तो आता ही है, शनि की महादशा चतुर्थेश पंचमेश अगर शनि न हो तो शनि की दशा में तो कष्ट आता ही है, नवमेश दशमेश शनि न हो तब भी शनि की दशा में कष्ट आता है, शनि पाप स्थान में बैठा हो अपने भाव से छठे आठवें स्थान में बैठा हो तब भी शनि दुख देता ही है, क्योंकि महर्षि पाराशर कहते हैं सखी शनि दुख प्रदा गयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि देव दुखदाता ही हैं, ये बहुत कम लोगों के ऊपर कृपा करके शुभ फल देते हैं, नहीं तो ये दुख ही देते हैं। तो लोहे का त्रिशूल आप किसी शिवालय में या भैरव मंदिर में या महाकाली के मंदिर में अगर शनिवार को अर्पित करें तो विश्वास करिए बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ा से बड़ा आपके ऊपर अगर कोई ऊपरी बाधा है तो उससे भी निजात मिल जाएगी, बशर्ते त्रिशूल कम से कम डेढ़ हाथ लंबा होना चाहिए। शनि अशुभ फल दे रहा है तो हर शनिवार को सफेद मंदार के पौधे पर सात छोटी छोटी लोहे की कीले चढ़ानी चाहिए। शनि की साढ़े साती के दौरान शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शनि के कारण सेहत खराब चल रही हो तो चारपाई या लकड़ी के बेड के चारों पायों में लोहे की चार कील लगवा लेनी चाहिए। शनिवार को लोहे का चौकोट टुकड़ा नारियल जव और काले तिल कच्चा कोयला और काले चने एक काले कपड़े में बांधकर कहीं नदी के किनारे उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। शनि मंदिर में लोहे से बनी जरूरत की चीजें दान करने से शनि शुभ फल देते हैं। कुंडली में केतु और शनि के कारण धन हानि हो रही है तो घर की दहलीज में लोहे की दो कीलें भी लगवानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान नहीं है, जो कुंडली में खराब शनि की वजह से ढेरों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग लोहे से जुड़े कौन से अचूक उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर जन्म कुंडली के लग्न में शनि होगा तो पक्का है कि ऐसा आदमी सांवले रंग का होगा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अब आप इंग्लैंड की कुंडली दिखाकर मत कहिएगा पंडित जी इसकी कुंडली में तो शनि लग्न में है तो ये तो काला नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अगर लग्न में शनि होगा तो रंग सांवला होगा। अगर बृहस्पति चंद्रमा बुध की दृष्टि शुक्र की दृष्टि होगी तो रंग गेहुआ होगा, और अगर शनि लग्न में होगा और कमजोर होगा तो वो बचपन में बहुत बीमार रहा होगा, 8 साल की उम्र तक उसकी बीमारी में बीती होगी। ऐसे लोगों को लोहे का तवा चिमटा अंगीठी कड़ाही दान करना चाहिए शनिवार को 4 बजे शाम के बाद। और अगर शनि कुंडली के 12वें भाव में अशुभ फल दे रहा है तो 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर लोहे के डब्बे में बंद करके हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां घर के अंदर कभी सूरज की रोशनी न पहुंच पाए, और इसको खोले नहीं, खोलते ही सारा खेल खत्म होगा। इसको ऐसे जगह पर छिपा के रखें और घर वालों को बता दें कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस डब्बे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शनि स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें, शनि की कृपा पाने के लिए अपने गले में शनिवार को नीले रंग का धागे में एक ठोस लोहे की गोली पिरो करके भी आप पहन सकते हैं। डायबिटीज से बचने के लिए ईशान कोण में लोहे की सारी वस्तुएं हटा लीजिए। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में लोहे की कोई भी चीज है तो वहां से बिल्कुल हटा लीजिए। अगर लोहे की चीज होगी और आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो ये रोग आपका ठीक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से कालचक्र दर्शक सौरभ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मैं सौरभ। हाँ बोलिए सौरभ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1980 जी, और मेरठ की पैदाइश है जी, और टाइम है सुबह का 1:35 जी। मेरा ये तीन प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उसी जॉब में कंटिन्यू करूँ, और दूसरा ये है कि हमारा कभी घर और गाड़ी कभी होगा या नहीं,
और मेरा सेकंड मैरिज है, वो भी कभी आगे है, उसके चांसेस। देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का जवाब तो आपको ये दूंगा कि मार्च 2025 तक जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करते रहें, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका अच्छा भविष्य है। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर शनि सिंह कुंभ राशि में स्थिर राशि में है और आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, शनि मंगल का इत्तेसाल हो रहा है, तो जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं अगर करते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में ये बताना चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ का प्रश्न है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए और वैवाहिक जीवन आपका ठीक से चलता रहेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए कभी कभी एडजस्ट करना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना चाहिए। अगर सामंजस्य बैठाया जाए तो बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अनुकूल किया जा सकता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें और राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें तो प्रभु श्री राम की कृपा से परिवार के लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी और सद्विचार मिलेगा और लोग निश्चित रूप से एक अच्छे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। घर और गाड़ी की जहां तक बात है, आपने पूछा है कि कब होगा, तो इसके बारे में तो यही कह सकता हूं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और बुध और बुध व्यय भाव में है। अभी ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत कठिन हैं। 2026 के बाद घर और 2028 के बाद गाड़ी का योग बन रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी गाड़ी आपके पास हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप प्रयासरत रहेंगे, इसी तरह से आप अपने कर्म करते रहेंगे तो 2026 में आपका घर हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या शनिवार के दिन लोहा खरीदना शुभ है या फिर अशुभ? शनिवार के दिन लोहा दान करना शुभ होगा या अशुभ? क्या है लोहे से जुड़ी सबसे सही और सटीक सावधानियां? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए घर में लोहे के फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, खास करके बेडरूम में लोहे का पलंग नहीं होना चाहिए। लोहे की अलमारी की जगह लकड़ी की अलमारी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तिजोरी लोहे की रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से धनहानि कभी भी नहीं होगी। घर में लोहे की पुरानी चीज़ें रखी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं तो इस कबाड़ को आप निकाल दें, क्योंकि ये लोहा तांबा पीतल स्टील जैसी धातुएं ऊष्मा और ऊर्जा की सुचालक होती हैं, इनसे सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। शनिवार को घर में लोहा खरीद कर नहीं लाना चाहिए, शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए। शनिवार को लोहा खरीद कर घर लाने से मानसिक तनाव बढ़ता है। शनिवार को लोहा दान किया जाए तो शनि पीड़ा कम होती है। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और ईमेल कुंडली विजेता हैं औरंगाबाद बिहार की रहने वाली अर्चना कुमारी, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्चना कुमारी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिएगा, मैं डिटेल नोट करा देती हूँ। नाम अर्चना कुमारी है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 5 नवंबर 1971। कितने बजे? 4:30 बजे सुबह का। कहाँ पैदा हुए? दाऊद नगर औरंगाबाद बिहार। बिहार। अर्चना जी अब आप अपने सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहो पंडित जी। अपने सेहत को लेकर हम बहुत परेशान चल रहे हैं 4-5 साल से, और पारिवारिक स्थिति भी बहुत कुछ अच्छी नहीं जा रही है जी। और मेरा कौन सा राशि है पंडित जी, और मेरी आयु कितनी रहेगी? देखिए ऐसा है, राशि तो आपकी वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हो, राशि का नाम आपका विमला है। इस समय बेटा आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि में केतु का अंतर जब से गया है, पिछले 1.5 साल से शारीरिक परेशानी, नसों का खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारे अंदर ये है कि तुम्हारा जन्म विष योग में हुआ है, शनि और चंद्रमा दोनों तुम्हारे भाग्य भाव में हैं, नकारात्मक सोच तुम्हारे ऊपर बहुत हावी रहती है। तो इस दोष से बचने के लिए तुम्हें हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। दूसरी बात, हो सके तो
महामृत्युंजय मंत्र का तुम्हें रोज 108 बार सुबह जप करना चाहिए। अगर तुम महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दो तो विश्वास के साथ कह सकता हूं बहुत कम दिनों में तुम्हारी सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जो पारिवारिक परेशानियां बनी हुई हैं उसके बारे में बस एक बात कहना चाहूँगा कि सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करो और रविवार के दिन हो सके तो नमक ना खाओ, मीठी चीजें खाओ, इससे पारिवारिक सामंजस्य भी बनेगा और जीवन की परेशानियां दूर होंगी। आपने आयु पूछा है कितनी रहेगी, तो 6, 9, 15, 12, 27, 33, 30, 33, 93 साल, 90 साल में से कम हो गया आपका 8 साल, माने 82 साल की उम्र है। बाप रे, 82 साल जियोगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कमल जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमल जी स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना है। पंडित जी मैं ना काफी टाइम से बैठा हूँ, काम पे नहीं जा पाता और क्या कहते हैं मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है और मेरे भाई है उसका काम सही नहीं लगता, हफ्ते में 2-3 दिन ही काम लगता है। ऐसा है, प्रश्नलग्न से 12वें भाव में राहु है, आपके विवाह का अभी भी योग नहीं बना हुआ है, आपके आजीविका का अभी भी योग नहीं बना हुआ है, इसलिए कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है, आप एक नंबर के आलसी पुरुष हैं, आप दिन बिताना आराम से चाहते हैं, आप कुछ करने के लिए आपके मन में बेचैनी ही नहीं होती है। ये केवल ज्योतिष का प्रश्न पूछने से थोड़ी आपका भाग्य चमक जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए ये करना पड़ेगा कि रोज सुबह नहा करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए और कम से कम 5 बार दुर्गा चालीसा और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि वो आपको रोजगार परक बनाएं। अभी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं तो विवाह करके क्या करेंगे, पत्नी को ले आकर के क्या करेंगे, उसका खर्चा कौन चलाएगा, तो पहले कमाइए उसके बाद में विवाह के बारे में सोचिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि अनुसार किन चीजों का दान देगा सुख समृद्धि और आपको सम्मान, राशि अनुसार किन चीजों का दान पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान करें। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा शुक्रवार के दिन मिश्री या चीनी का दान करें। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा बुधवार को हरे रंग की मूंग की दाल दान करें। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा सोमवार के दिन चावलों का दान करें। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुधवार के दिन या रविवार के दिन गेहूं का दान करें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि के जातक शुक्रवार के दिन कन्याओं को चांदी के चम्मच से खीर खिलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें। धनु राशि के जातक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा शनिवार के दिन कंबल या नीला कपड़ा दान करें। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा शनिवार के दिन काली उड़द की दाल दान करें। और मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गुरुवार के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।